फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप फ्रेंड्स? जैसे कि आपको पता है, हम लगातार आपको एक सीरीज चला रहे हैं कि आप आईएएस कैसे बनेंगे। तो मित्रों, आप आईएएस की टीम ने जो है ये इनिशिएटिव लिया हुआ है। आपको मैं बता दूँ, हमारे चैनल पे इनिशिएटिव चल रहा है, कौन सा? डेली हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन। और आपके लिए जल्द ही हम ला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन, तो आप उन सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, इनको बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें बहुत से रिटायर्ड और सर्विंग जो है कैंडिडेट्स हमें सब जो है गाइड कर रहे हैं। संजय सिंह सर हमें गाइड कर रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के जी प्रसन्ना सर हमें गाइड कर रहे हैं, और भी बहुत से लोग हमें गाइड कर रहे हैं। तो आप हमारे उसमें लगातार बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आपके लिए पहली आज की जो सबसे बड़ी दुविधा है कि हाउ टू स्टडी। तो स्टडी कैसे करें, कैसे रिटेन करें? बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सी क्वेरीज आपकी थी, तो आपकी यही क्वेरीज को लेके कौन ला गया है? आप आईएएस की टीम एक बहुत अच्छी वीडियो लाई है। आपसे निवेदन है कि ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इसी के जरिए आपके जो है क्वेरीज के सॉल्यूशन होगा सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए जो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोएं, ताकि आपके ब्रेन के पास ये अपॉर्चुनिटी हो टू कंसोलिडेट द नॉलेज। इसका क्या अर्थ है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, होता यह है कि आप दिन भर में अगर आप 24 के 24 घंटे पढ़ लेंगे, योर ब्रेन एक्ट एज अ सीपीयू। अब देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, अगर आप 24 घंटे आप इसमें खाना भरते रहेंगे, एक मशीन में आप जो है लगातार फीड करते रहेंगे, उसको प्रोसेसिंग का जो है अगर टाइम नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? डाटा जो है मैनिपुलेट होने लगता है, डाटा में जो है खराबी आने लगती है, कई बार डाटा जो है डिलीट हो जाता है, जो रैम की कैपेसिटी होती है वो भर जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको कंसोलिडेट करने के लिए आपके ब्रेन के पास जो होना चाहिए पर्याप्त टाइम होना चाहिए। मिनिमम आवर्स स्लीप जो है आपकी वो 6 आवर्स है, 7 आवर्स आप इसको 7 आवर्स है आप इसको मिनिमम कर सकते हैं, तो आप 5 आवर्स, बट आई विल एडवाइज यू टू हैव अ 6 आवर्स साउंड स्लीप टू बिकम आईएएस, बिकॉज आईएएस का एग्जाम ज़्यादा पढ़ने का नहीं, कंसोलिडेशन का ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, दूसरी टिप आपके लिए क्या है आज की? आज की दूसरी टिप आपके लिए है, ब्रेक स्टडी टाइम्स इंटू स्मॉल चंक्स। तो आपके लिए क्या है, जैसे कि आपने आज 12 तारीख को कुछ स्टडी प्लान बनाया, 13 14 आपने एक दिन में एक एनसीईआरटी क्लियर नहीं किया, आपने 3 दिन में एक एनसीईआरटी पढ़ी, बट आपने उसको ब्रेक कर दिया कि आज इस एनसीईआरटी का, मान लीजिए आपने हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी एक साथ उठा ली, आपने 3 घंटे हिस्ट्री को दिए, 3 घंटे ज्योग्राफी को दिए, तो आपने ये 3 दिन में 2 एनसीईआरटी खत्म की, तो आपको ये इसका रिटेंशन ज़्यादा होगा, बजाय इसकी कि आप हिस्ट्री 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 को पूरे दिन पढ़े और उसके बाद आप वो करें। तो फ्रेंड्स, इसको आप, अगर आपको टाइम टेबल देखना है, तो मैंने टाइम टेबल के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आपको हमारी प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत ही यूजफुल वीडियोज़ आपके लिए हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है आप आईएएस, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको आईएएस बनाने के लिए हैं। और देखिए, हमने चैनल के आपका मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी एश्योरिटी और प्रोफिशिएंसी, ये तीनों चीज़ें एक आईएएस ऑफिसर में होनी ज़रूरी है, तो इसको लाने के लिए ही हमने वो सारी वीडियोज़ आपके लिए बनाई हुई हैं। तो आप जो है इन वीडियोज़ को आप जो है ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगला टिप आपके लिए क्या है, अपनी बॉडी के बारे में जानिए कि आप कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा अलर्ट हैं। फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या है, मान लीजिए आपको सुबह 5 बजे, सब 5 AM में आप सबसे ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, तो उस 5 बजे पढ़िए ना आप। क्यों आप रात के 9 बजे से लेके 5 बजे सुबह तक पढ़ते हैं, जब क्या कि रिटेंशन पावर उस पीरियड में जो है क्या है, 0 है। तो फ्रेंड्स, ये मिथक बहुत बुरा है कि आपको सुबह ही पढ़ना चाहिए, मगर आप जो है कोशिश कीजिए कि सुबह पढ़िए, मगर ये नहीं है कि आप, अगर कोई रिटेंशन आपका शाम को 0 है, अगर आप मान लीजिए ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप वो काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप जो है लगातार आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि दिमाग उस टाइम फ्रेश होता है। तो अगली स्लाइड में जानते हैं कि टर्न हेडिंग इनटू क्वेश्चंस। अब मान लीजिए कि जैसे कि हाउ टू बिकम आईएएस, मान लीजिए हमारे चैनल का नाम है आप आईएएस, तो आपको इसको किस तरीके से लेना है, आप आईएएस कैसे बनेंगे? अब मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपका एक मन में ये होना चाहिए कि इनके हेडिंग क्या है, आप आईएएस, तो ये आप आईएएस वाले हैं, हमें आईएएस कैसे बनाएंगे? जी, हम आपको आईएएस ऐसे ही बनाएंगे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन गाइडेंस आपको प्रोवाइड करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है नॉलेज हम इस चैनल के माध्यम से जो है डिलीवर कर पाए, अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और भी अन्य माध्यमों से हम आपको डिलीवर कर पाए। तो हेडिंग्स ऑफ क्वेश्चन की तरफ पढ़ना है और उन क्वेश्चन से आपको उस पैराग्राफ में से आंसर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक पैराग्राफ दे दिया, ऊपर से हेडिंग है इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन 1857, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाना चाहिए, हाउ फार इंडियंस एक्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया, आप नीचे को आप कॉम्प्रिहेंड कीजिए इस पूरे पैराग्राफ को। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना के जो है आपको पढ़ना है फ्रेंड्स। तो पांचवा जो है आप अपने आप को लगातार टेस्ट करते रहिए, क्योंकि ये टेस्ट का ही एग्जामिनेशन है, यूपीएससी आपके ज्ञान का एग्जामिनेशन नहीं है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, व्हेन यू स्टडी सो यू प्रैक्टिस रिटाइविंग इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या करते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आप प्रैक्टिस करिए ना, प्रैक्टिस करने के बाद ही तो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन आएगी ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हो तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि फ्रेंड्स आप आईएएस की टीम आपके लिए डेली हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन ला रही है। मगर आप फ्रेंड्स बड़े ही दुख की बात है कि आप लोग इस एडिटोरियल डिस्कशन को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मेंस में लगातार क्वेश्चंस जो है हमारे डेली हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन से पूछे गए इस बार में। तो फ्रेंड्स आप इस डिस्कशन को बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि आप मेंस में जब बैठेंगे तो आपको इसकी महत्ता पसंद समझ में आएगी। आपको इसके अलावा डेली एमसीक्यू डिस्कशन कराया जा रहा है, आप उसको भी बहुत सीरियसली लीजिए। जो बच्चे हमारे वीडियो सीरीज को लगातार देख रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहते हैं, हमें मेल करते हैं कि सर आपका धन्यवाद। पर फ्रेंड्स जो लोग नहीं देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि उन वो बहुत कुछ खो रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले ला रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं यूपीएससी की आने वाली प्रीलिम्स के लिए, बीपीएससी की परीक्षा के लिए एवं और जितनी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं आ रही हैं उनके लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपको जो भी चाहिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा पता है आप ias.help@gmail.com, टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको जो है इसका, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक्स दिए गए हैं, आप वहाँ पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।